गणेश जी के सामने दीपक जलाकर बस ये तीन शब्द बोल दीजिएगा, आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में दीपक जलाने का नियम है। मान्यता है कि किसी भी देवी देवता की पूजा से लेकर हवन पाठ या किसी भी शुभ कार्य में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तीज त्योहारों में या हर रोज दीपक जलाने से न सिर्फ घर और जीवन का अधिकार दूर होता है, बल्कि घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से सभी तरह के वास्तु दोष खत्म होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। भगवान के सामने दीपक जलाने से हर प्रकार का अंधकार दूर होता है। गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार जी का कहना है कि गणेश जी के सामने दीपक जलाकर बस ये तीन शब्द बोल दीजिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो कौन से हैं वो तीन शब्द जिसे बोलने से गणेश जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी कहते हैं कि पूजा पाठ में दीपक जलाना शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि दीपक पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक होता है। दीपक जलाने के बाद उससे निकलने वाली रोशनी हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है। हालांकि शास्त्रों में दीपक जलाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है। नियम अनुसार दीपक जलाने से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है, घर परिवार में सुख शांति आ सकती है। इसीलिए सही तरीके से नियम के अनुसार ही दीपक जलाने का तरीका जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। गुरुजी कहते हैं कि जब भी आप घी का दीपक जलाएं तो हमेशा सफेद रुई की बत्ती का, और तेल का दीपक जलाएं तो लाल धागे की बत्ती का ही प्रयोग करें। दीपक को हमेशा मंदिर के पूर्व दिशा में रखना चाहिए। आप अगर पश्चिम दिशा में दीपक रखते हैं तो फिजूल खर्ची बढ़ती है, और पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। आप अगर सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो आपकी एकाग्रता हमेशा बनी रहती है। इसीलिए पूजा पाठ करने का सही समय सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और आप अगर शाम को भी पूजा आरती करते हैं तो उसका सही समय 5 से 7 बजे के बीच में है। आप अपने घर में सुबह शाम दोनों समय दीपक जलाते हैं तो उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हमेशा बना रहता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति भी हमेशा बनी रहती है। शाम के समय अपने घर के चौखट या मेन डोर पे दीपक जलाते समय ध्यान दें कि दीपक कभी भी जमीन पे ना रखें। दीपक चावल, जौ या गेहूं के ऊपर रखें। आपको कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी जी रूठ कर चले जाती हैं। आप अपने पानी के बर्तन के पास भी घी का दीपक जरूर रखें। इससे घर में धन की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि गणेश जी के सामने दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। आप गणेश चतुर्थी में बुधवार को या किसी भी शुभ दिन पे गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करें, और सिर्फ एक बार भी काफी है। चाहे तो आप 11 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु का विनाश करने वाली है दीपक की ज्योति, आपको नमस्कार है। शास्त्रों के अनुसार घर में दीपक जलाने से सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है। पूजा के समय कभी भी खंडित या टेढ़े मेढ़े दीपक को जलाना अशुभ माना जाता है। पूजा करते समय साफ और सही दीपक का ही प्रयोग करें। पूजा करते समय घी का दीपक अपनी बाएं ओर और तेल का दीपक दाएं हाथ की तरफ रखना शुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार घी के दीपक का इस्तेमाल देवी देवताओं को समर्पित करें, जबकि तेल का दीपक किसी मनोकामना की पूर्ति या फिर किसी ग्रह दोष को खत्म करने के लिए जलाया जाता है। तो दोस्तों, गुरुजी द्वारा बताया गया गणेश जी के सामने दीपक जलाने का ये उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इस वीडियो का मकसद केवल आप सभी को पूरी जानकारी देना है, न कि किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।